साहब, कल आज तक के ड्रोन कैमरे से तस्वीरें ली गई हैं और जो नूह का पहाड़ी इलाका है वहां पर अभी भी बड़ी तादाद में असामाजिक तत्व इकट्ठे नजर आ रहे हैं, तो हरियाणा पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? दूसरी बात यह है कि अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है विद साहब, और बुलडोजर भी कई जगह पर चलाया जा रहा है, तो ये कौन सी कार्रवाई? जिसके लिए इलाज होगा वो हम करेंगे, दवाइयों में बुलडोजर भी शामिल है। मेवात में हुई हिंसा के बाद हरियाणा सरकार सख्त मूड में नजर आ रही है। आज नूह के एसपी का भी तबादला कर दिया गया है। बात करने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हमारे साथ मौजूद है। विज साहब, अभी तक क्या क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है? देखिए, हमने वहाँ पर अलग अलग टीमें बनाई हैं, 8 थाने हैं, 8 थानों में एक एक आईपीएस ऑफिसर को लगाया है, और हम सारी स्कैनिंग कर रहे हैं, हम कॉम्बिंग भी कर रहे हैं, और जो जो हमें साक्ष्य मिल रहे हैं, चाहे वो सीसीटीवी से मिल रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया से मिल रहे हैं, और हमने सारे पत्रकार बंधुओं से भी प्रार्थना की है कि जो जो उनके पास कोई इम्पोर्टेंट फीड है तो वो हमें उपलब्ध कराएं। हमने जो लोग उस दिन यात्रा में शामिल थे उन्होंने भी, आजकल हर आदमी के हाथ में कैमरा होता है, अगर किसी के पास कोई महत्वपूर्ण फीड है तो वो हमारे पास जमा कराए, हम उनका सारों का मुआयना कर रहे हैं, मुआयना करने के बाद हम FIR दर्ज करते हैं, और 102 FIR हम अभी तक दर्ज कर चुके हैं, 202 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 80 लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं, और अभी ये आगे कार्रवाई चलेगी। मैं एक ही सिद्धांत पर हमारी पुलिस काम कर रही है कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले और एक भी दोषी को छोड़ा ना जाए, ऐसा हम वहां पर काम कर रहे हैं। विद साहब, कल आज तक के ड्रोन कैमरे से तस्वीरें ली गई हैं और जो नूह का पहाड़ी इलाका है वहां पर अभी भी बड़ी तादाद में असामाजिक तत्व इकट्ठे नजर आ रहे हैं, तो हरियाणा पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, मैंने ADGP लॉ एंड ऑर्डर को आज सुबह कह दिया और कहा कि भी ये जो पहाड़ पर लोग बैठे हुए हैं इन सारों का पता कराएं कि ये कौन लोग हैं। दूसरी बात यह है कि अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है विद साहब, और बुलडोजर भी कई जगह पर चलाया जा रहा है, तो ये कौन सी कार्रवाई है? देखिए, अब जो जो हम हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, हमने जो पहले दिन लोग पकड़े थे उनको कोर्ट में प्रस्तुत करके हमने एक दिन का रिमांड लिया है, और रिमांड में उन्होंने काफी सूचनाएं हमें दी हैं, उन सूचनाओं पर भी हम काम कर रहे हैं, और जैसी जिसके लिए इलाज होगा वो हम करेंगे, दवाइयों में बुलडोजर भी शामिल है। बुलडोजर कई जगह पर चलाया जा रहा है, क्या हरियाणा के जो नूह के आसपास के इलाके हैं अब पूर्णतया कंट्रोल में है, शांति है, तनाव है? पूरी तरह से नियंत्रण में है, पूरी तरह से शांति है, चप्पे चप्पे के ऊपर पुलिस खड़ी की हुई है, और किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। तो हरियाणा के गृह मंत्री बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में सरकार सख्ती से और तेजी से कार्रवाई कर रही है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और अंदरूनी जो साजिश है उसका भी खुलासा जल्द किया जाएगा, ऐसा अनिल विज दावा कर रहे हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, अंबाला।